प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी को 78वीं जयंती सद्भावना दिवस के रूप में दून ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा मेरा निवास स्थान हरिपुर संधोली में मनाई गई, जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा भारतवर्ष की जनता के लिए किए गए अहम फैसलों और कार्यों को याद किया गया। राजीव जी की जो 78वीं जयंती है पूरे भारतवर्ष में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राजीव गांधी जी राजनीति में नहीं थे, वर्ष 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी की शहादत के बाद एकाएक देश जो है वो सदमे में आ गया कि अब देश की बागडोर कौन संभालेगा। तो हमारी कांग्रेस से जो हाईकमान है सब ने फैसला लिया कि राजीव जी अपने पायलट का काम छोड़ के जो है वो देश की सेवा करें, तो वो तैयार भी नहीं थे। और उसके बाद सभी के प्रेशर से राजीव जी, माननीय राजीव जी जो है वो राजनीति में आए, प्रधानमंत्री बने और बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने देश के लिए लाई। इनका मानना था कि अगर दिल्ली से 100 रुपया चलता है, गांव तक जो है वो केवल 15 रुपये या 20 रुपये पहुँचते हैं, उस बात पे विचार करने की ज़रूरत थी। इन्होंने वर्ष 1995 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके हमारी जो आज पंचायतें उनको सशक्त करने का काम किया, महिला सशक्तिकरण का काम किया, 3-टायर सिस्टम जैसे अब जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, पंचायत है, अब जो केंद्र से पैसा आता है उसका कुछ कुछ शेयर जो है वो तीनों 3 टायर को जाता है और उससे हमारे गाँव के विकास में तेज़ी आई है। गाँव के जो हमारी जनता है उनको पंचायत के प्रति उनके क्या दायित्व हैं, पंचायत के प्रति क्या कर्तव्य हैं, तो उसमें जो है वो राजीव जी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने उसको सुदृढ़ किया। और उसके बाद आईटी के क्षेत्र में राजीव जी ने आज जैसे ये अंबानी जी बोलते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, लोग कहते हैं कि इसको जियो टैगिंग करनी है, आज हर काम की जियो टैगिंग हो रही है, वो सब इनकी देन है। आईटी के निर्माता, विदाता, देनदार, देने वाले ये हैं। और दिल्ली में हम देखते थे कि लगभग 5-5 घंटे हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे, तो राजीव जी ने सपना देखा कि दिल्ली में मेट्रो जो है वो चलाई जाए, मेट्रो स्टेशन बने, आज पेरिस के बराबर जो है वो दिल्ली में मेट्रो चली है। उसके जो